हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। आज का मेरा टॉपिक क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया का सॉल्यूशन डाल रही हूँ, उसी सॉल्यूशन को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मेरे पास क्वेश्चन क्या है, जैसे आया हुआ था, स्पीयर था जिसका मास मेरे पास m1 था, जो है यू वेलोसिटी से चल रहा था, उसने किससे कोलाइड किया। दूसरा स्पीयर था जिसका मास क्या था, m2 था। तो हमें ये बताना है कि कोलिजन के बाद दोनों किस में अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने लगेंगे, वी से। तो दोनों के मासेस की रेशियो क्या हो गए। ओके, तो जैसे लाइक मैंने इसको फर्स्ट कहा है जिसका मास m1 है, यू स्पीड से मूव कर रहा है। सेकंड मेरा बी है स्पीयर जिसका मास m2 है, यू उसकी स्पीड क्या है, जीरो कोलिजन से पहले। इसके बाद मेरे पास क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन मेरे पास क्या सिचुएशन हो गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। मींस ये ए था जिसका मास m1 था, तो ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बी किससे करेगा, माइनस वी से, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। अब मुझे पता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होती है, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। लेकिन जो u2 है, सेकेंड वाला रेस्ट पे था मेरा, इनिशियल वेलोसिटी को u2 कह रहे हैं, तो वो जीरो है, तो ये वाले पार्ट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। v क्या हो जाएगी मेरे पास, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 मेरी क्या थी, u थी। इसी तरह से सेकेंड की वेलोसिटी क्या होती है, 2m1u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। u2 मेरी जीरो है, तो ये u है, 2m1u और m1 प्लस m2, और वेलोसिटी मेरी क्या है, माइनस वे। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप। सो v बाई माइनस वे इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर u m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाई 2m1u और m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 से डिवाइड किया, u से u डिवाइड किया, तो बचा मेरे पास m1 माइनस m2 ओवर 2m1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस, सो यहाँ से क्या हो गया, 3m1 इज इक्वल टू m2। m1 बाई m2 की रेशियो पूछिए, दैट इज इक्वल टू 1/3, तो वी हैव थर्ड ऑप्शन सी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, डिस्प्लेसमेंट गिवन है किसी पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्स से डिस्प्लेसमेंट दिखाई है, तो एम्पलीट्यूड बताना है इसका। सो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। हम इसको क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कैसे सोल्व कर सकते हैं, लेट अस टेक ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बी इज इक्वल टू आर कोस थीटा। तो एक्स मेरा क्या बन गया, आर साइन थीटा कोस ओमेगा टी प्लस आर कोस थीटा साइन ओमेगा टी। आर है और इंटू में किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस ओमेगा टी। अब क्या करोगे आप, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का जो है, सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास ए इक्वल टू बी है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालना चाह रही, कैसे निकल जाएगी, स्केयर कीजिए। ये मेरे एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस ओमेगा टी है, आर मेरा एम्पलीट्यूड बता रहा है, स्केयरिंग कीजिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर हो गया। तो ए आर की वैल्यू क्या हो गई, स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दैट मीन्स ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द ऑपरेटर ए इज इक्वल टू एक्स प्लस टी बाई डी एक्स, तो कम्यूटेटर रिलेशन निकालनी है ए और कोस एक्स की। तो हम कम्यूटेटर रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, ए कोस एक्स आई एक्स पे लगाएं, वेव फंक्शन है, कम्यूटेशन रिलेशन आपको पता है ए बी की क्या होती है, ए बी माइनस बी ए। तो ए कोस एक्स यानी ए इंटू बी इंटू साई एक्स माइनस बी ए कोस एक्स इंटू ए इंटू साई एक्स। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, फर्स्ट इक्वेशन में क्या बन गया मेरे पास, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू कोस एक्स इंटू साई एक्स माइनस कोस एक्स इंटू एक्स की वैल्यू रखिए आप, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू साई एक्स, ये रहा। अब यहाँ से क्या बोलोगे आप, एक्स इंटू कोस एक्स इंटू साई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ओ कोस एक्स इंटू साई एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साई एक्स प्लस माइनस कोस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ओ साई एक्स, यही मैंने रखा है। अब आपको क्या करने पड़ेगा, अगर ध्यान देंगे यहाँ से, ये दो टर्म्स हैं मेरी डी बाई डी एक्स में, तो फर्स्ट हो गई एक्स कोस एक्स इंटू साई एक्स माइनस, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे और साई एक्स ए बी से बाई पार्ट सम करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो माइनस साइन एक्स इंटू साई एक्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो रहा है, नेक्स्ट हो जाएगा कोस एक्स एज इट इज डी साई बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स एक्स साई एक्स माइनस कोस एक्स डी साई बाई डी एक्स। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये यहाँ से हो रही है, बचा मेरे पास माइनस साइन एक्स इंटू
साई एक्स, तो मेरे पास क्या बचा, ए कोस एक्स साई एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स साई एक्स, तो कम्यूटेशन रिलेशन क्या हो गई, माइनस साई एक्स, दैट मीन्स ए इज करेक्ट ऑप्शन, माइनस साइन एक्स। ओके ओके थैंक्स। अगर आपको मेरा जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह से मैं आपके जो है अपकमिंग एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन हैं, या फिर आप गेट वाला एग्ज़ाम दोगे, अभी नेट का भी आ रहा है आपका, उन्हीं के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्ज़ाम पे मेरा फोकस रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई और टॉपिक के लिए मुझे वीडियो डालनी हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके थैंक्स।